नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। खंडवा में आज भी विभिन्न प्रदेशों में मजदूरी करने गए लोग वापस अपने घरों के लिए पैदल ही निकल गए, जिसकी वजह से उनके पैरों में छाले तक पड़ गए। वहीं लगभग 450 की संख्या में खंडवा के बस स्टैंड पहुंचे इन मजदूरों को जिला प्रशासन द्वारा सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ में उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था करते हुए उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 10 बसों की व्यवस्था की गई। शनिवार के दिन 450 से ज़्यादा मजदूर खंडवा बस स्टैंड पहुँचे। इनमें ज़्यादातर महाराष्ट्र के जलगांव, नासिक, मुंबई, कल्याण, पुणे सहित कई जिलों में मजदूरी करने वाले लोग सम्मिलित थे। देश में लॉकडाउन के चलते ये लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, कटनी, सतना सहित विभिन्न जिलों से अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। खंडवा शहर के मुख्य बस स्टैंड पहुंचने पर जिला प्रशासन द्वारा इन मजदूरों का नाम, पता सहित अन्य आवश्यक जानकारी एकत्रित करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा इन लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद प्रशासन द्वारा दीनदयाल रसोई से मजदूरों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। मीडिया को जानकारी मिलते ही मीडिया कर्मियों द्वारा मौके पर पहुंचकर वहां उपस्थित निगम प्रशासन एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई, तो इनके द्वारा बताया गया कि इस संबंध में हमारे पास अभी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। लगातार भीड़ बढ़ते देख जब उच्च अधिकारियों से इस विषय में बात की गई तो संयुक्त कलेक्टर ने इन मजदूरों को वहीं रोककर रखने और बस की व्यवस्था करने की बात कही। तो देखा जिस प्रकार से जिला प्रशासन खंडवा द्वारा जो भी यहाँ पर फंसे हुए लॉकडाउन में लोगों को विधिवत रूप से उनके गंतव्य तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये सराहनीय कार्य जिला पंचायत, जिला प्रशासन और संबंधित सभी विभागों द्वारा किया जा रहा है। खंडवा से समय जगत के लिए कैमरामैन भवन प्रभाग साथ में दीपक चावरे की खास रिपोर्ट। जी आपका परिचय है? मैं संजय चोरे, पटवारी, तहसील खंडवा। जी बताइए, आज आप ड्यूटी निर्वाह कर रहे हैं, क्या कारण है और कहाँ लगी आपकी ड्यूटी? सर हमारी ड्यूटी जो है ये जब से लॉकडाउन अपने यहाँ से प्रारंभ हुआ तभी से हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा हम लोगों की यहाँ पर नियमित 6-6 घंटे हर पटवारी की ड्यूटी लगाई है। सरकार के लोगों के और जो भी लोग राहगीर बाहर से पैदल करके आ रहे हैं उनकी समुचित व्यवस्था यहाँ बस स्टैंड में की जा रही है। उनकी विधिवत सूची बनाकर की जांच मेडिकल कराकर और उनको विधिवत गंतव्य स्थान पर पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं और हमने अभी अधिकतर लोगों को पहुँचा। लगभग कितने लोगों को आपने यहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचाया है? लगभग अभी इतना अनुमानित आंकड़ा तो नहीं है क्योंकि ये जिला कलेक्ट्रेट में हर रोजाना इसकी जानकारी जाती है, लेकिन फिर भी एक अनुमानित अंदाज से 4-5 हज़ार लोगों को हम यहाँ से। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को कि कोरोना से संक्रमण से बचाने के लिए? ये एक विश्वव्यापी जो महामारी है पूरे अपने प्रदेश में, पूरे विश्व में फैली हुई है और इससे कोई चीज़ अच्छी की नहीं रही है, मतलब कोई भी देश इससे अछूता नहीं रही है और अपना देश तो वैसे ही थोड़ा मतलब जनसंख्या के लेवल से देखा जाए तो बहुत अधिक है। यहाँ मेडिकल की सुविधा भी कम, ऐसी स्थिति को देखते हुए जितनी सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी शासन से प्रशासन से निर्देश प्राप्त होते हैं उनका विधिवत अनुपालन करके अपने घरों में सुरक्षित रहिए, यही समुचित इसका इलाज। एक बार पुनः आपका परिचय? मैं संजय चौरे, पटवारी, तहसील खंडवा। खबर समय जगत के लिए खंडवा से कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा, सिटी रिपोर्टर मनीष भलराय के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट।